जनरल कटोच, क्या लगता है आपको, कॉन्डोलिजा राइस और रॉबर्ट गेट्स यहां पर यह कह रहे हैं कि यूक्रेन की हार होगी, या ये बिटवीन द लाइंस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को और हथियार दो वरना हम हार जाएंगे? शुक्रिया। देखिए, मेरे अपने असेसमेंट से, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं, जो युद्ध की स्थिति है इस समय पर वो स्टेटस को बन चुका है, और ये स्टेटस को में बदली कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ये जो भी पोजीशन रूस ने ली है वो यूक्रेन वापस नहीं ले सकता है, और अगर वो कोशिश करेगा तो उसको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कॉन्डोलिजा राइस का ये स्टेटमेंट आ गया है, ये एक तरफ से स्टेटस को चेंज हो चुका है और इसमें तब्दीली नहीं आएगी। यूक्रेन इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ा नहीं सकेगा, यूक्रेन इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ा नहीं सकेगा। लेकिन कॉन्डोलिजा राइस और रॉबर्ट गेट्स जब ये कहते हैं अचल सर कि भाई आपके पास, आप बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वक्त से पीछे चल रहे हैं और आपके पास हफ्ते हैं, महीनों नहीं, ये डिप्लोमेट्स रह चुके हैं, आप भी डिप्लोमेसी को समझते हैं, सर ये कौन सी भाषा समझाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, क्या कहना चाह रहे हैं, जरा डिकोड कीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। आई थिंक ये मुझे लगता है गौरव कि ये अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसके लिए ज्यादा मैसेजिंग कर रहे हैं कि देखिए अगर आपने यूक्रेन को और मजबूत नहीं बनाया तो आने वाले वक्त में यूक्रेन जो है इस वॉर को ज्यादा लंबा खींच नहीं सकेगा। यूक्रेन की तरफ से एक घोषणा हुई थी कि वो स्प्रिंग में एक बहुत बड़ा वो जो है ऑफेंसिव करने वाले हैं, लेकिन ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपके पास इतना समय नहीं है, अगर आप तब तक इंतजार करेंगे तो हो सकता है रशिया आप पे पूरी तरह से भारी पड़ जाएगा। लेकिन इनकी स्टेटमेंट में एक दूसरा स्टेटमेंट जोड़ देना कि यूक्रेन को और भी हथियारों की जरूरत है और उसे मजबूत किया जाए, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आर्म्स इंडस्ट्रीज के बिहाफ पे बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि आइए लड़िए, ये वो वक्त आ गया कि अगर हमने और हथियार नहीं दिए तो इनडायरेक्टली तो ये अमेरिका की डिफीट हो जाएगी अगर यूक्रेन डिफीट हो जाएगा। दो चीजें हैं, या तो ये कह रहे हैं कि या तो यूक्रेन की इस वॉर में हार होने वाली ऐसा दिखता है जैसा कि जनरल कटोच भी कह रहे हैं, और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को यूक्रेन को जरा सा थामे भी रखना है तो उसको और हथियार देने की जरूरत है, और ज्यादा जो अमेरिका दे रहा है उससे कहीं ज्यादा उसकी मदद करने की जरूरत है। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं कुछ और खबरें दिखाना चाहता हूं, फिर आपसे आऊंगा, आपका असेसमेंट पूछूंगा। बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए, देखिए सीज फायर में रूसी मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट दिखा है, सीज फायर के पीछे का मकसद अब उस पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीज फायर में रूसी मिलिट्री व्हीकल्स का मूवमेंट देखने को मिला है। रूसी मिलिट्री व्हीकल लेकर जाती दिखी ट्रेन का वीडियो आया सामने, मिलिट्री व्हीकल लेकर मिन्स्क की तरफ जा रही ट्रेन, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है, रूस के पार्टनर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में ये रूसी फाइट जो आर्मी का जो गाड़ियों का जो एक बहुत बड़ा एक दस्ता जो इस गाड़ी पर इस रेलगाड़ी पर सवार है, कह सकते हैं मालगाड़ी पर सवार है, वो इधर जाती हुई दिखी है, और ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो ट्रेन है या फ्रेट ट्रेन है ये जो मिन्स्क जा रही है इसमें जो ये रूसी जो आर्मर्ड व्हीकल इस पर जो रखे गए हैं, जो इस पर लदे हुए हैं, ये कहां लेकर जा रहे हैं, और वो भी तब जब रूस ने क्रिसमस को देखते हुए सीज फायर का ऐलान कर रखा है। क्या इसके पीछे रूस का वही ब्रीदिंग वाला मकसद है जो बाइडेन ने कहा था कि रूस को इस वॉर में ऑक्सीजन चाहिए, वही दिख रहा है, या फिर ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि साजिश है, क्या वही है यहां पर साबित होता हुआ? एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, रशियन मिलिट्री व्हीकल्स की लगातार मूवमेंट देखने को मिल रही है, मिलिट्री व्हीकल्स ले जाती दिखी ट्रेन का एक और वीडियो सामने आया है, मिलिट्री ट्रक और रॉकेट लॉन्चर ले जाती दिखी है ये ट्रेन। सवाल यही है कि क्या रशिया अपने आप को रीअलाइन कर रहा है इस सीज फायर के दौरान? रशिया क्या वो जो ऑक्सीजन चाहता था अपनी रीपोजिशनिंग के लिए, वक्त चाहता था, उसने वो वक्त हासिल कर लिया? क्या क्रिसमस के लिए सीज फायर करना मात्र एक धोखा है? आइए जरा इसके बारे में और बात करते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। दो तस्वीरें दो खबरों के साथ सबसे पहले आपके सामने लेकर आता हूं मैं, और फिर बिग वॉल पर आपको कुछ इसी से जुड़ी और अहम जानकारियां दूंगा। दोनों खबरें उसी से जुड़ी हुई हैं, रशिया का सीज फायर और सीज फायर के दौरान रूसी मिलिट्री व्हीकल्स का ये बड़ा मूवमेंट ट्रेन के जरिए, एक मिन्स्क की तरफ जाता हुआ, एक किसी दूसरी तरफ जाता हुआ। सवाल यह है कि क्या रूस ने वही हासिल कर लिया जो उसको चाहिए था?
आइए जरा हम बिग वॉल पर इसी से जुड़े कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये रूस ने ही सीज फायर का ऐलान किया और रूस के ही मिलिट्री व्हीकल्स ऐसे दिख रहे हैं। सीज फायर में रूसी ट्रेन हथियारों की सप्लाई क्यों कर रही है? सवाल है कि रूसी ट्रेन हथियार लेकर जाते हुए क्यों दिख रही है? सीज फायर में रूसी ट्रेन हथियारों की सप्लाई कहां कर रही है? एक तो मिंस जा रही थी ट्रेन, दूसरी कहां जा रही है? तीसरा सवाल, क्या रूस ने सीज फायर का ऐलान वेपन सप्लाई के लिए किया, क्या रीअलाइनमेंट और रीगैदरिंग के लिए किया? चौथा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या रूस ने सीज फायर का ऐलान खुद को रीग्रुप करने के लिए किया है? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अब शायद हम अपने एक्सपर्ट से तलाशने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, मैंने जो सवाल पूछे इन्हीं का आंसर आपसे, क्या वाकई सीज फायर एक धोखा है? देखिए गौरव, ये सीज फायर है, अभी उन्होंने इस वॉर को क्लोज नहीं किया है या उन्होंने कोई इस तरह की कोई संधि साइन नहीं की है। और जैसा आपका आंकलन था बिल्कुल सही बात है कि रशिया अपनी जो फोर्सेस है उनको रियलाइन कर रहा है। देखिए बैटल में जो बैटल फटीग होती है और जिस तरह का मौसम है, क्योंकि बड़ा इनहॉस्पिटेबल वेदर है, तो रशिया जाहिर है चाहेगा, क्योंकि उसकी कैजुअलिटीज भी काफ़ी हुई हैं, तो वो ये चाहेगा कि जो ट्रुप्स का जो टर्नओवर है वो हो, क्योंकि ट्रुप्स को वॉर में भी रेस्ट और रीफिट की ज़रूरत होती है। और जिस तरह से वो अपना जो भी अपने सामरिक संसाधन हैं उनको जिस तरह से वो शिफ्ट कर रहा है, वो ये बताता है कि वो जैसे ही ये वेदर थोड़ा सा इंप्रूव होगा, नहीं तो फिर इसका असर क्या यूक्रेन के ऊपर पड़ेगा? जनरल कटोच को भी लाना चाहूंगा मैं इस डिबेट में। जनरल कटोच, आपका क्या असेसमेंट है? क्या जो दत्ता साहब कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप भी मानेंगे कि ये रूस को इस सीज फायर का फायदा होगा? नहीं, देखिए सीज फायर का फायदा दोनों को होगा, लेकिन एक चीज मैं समझा देना चाहता हूँ, सीज फायर का मतलब नहीं है कि ट्रूप्स का मूवमेंट नहीं हो सकता है। सीज फायर का मतलब यही है कि गन्स जो हैं वो फायर करने से बंद हो जाएंगी। तो ये जो मिंस की तरफ मूवमेंट हुआ है ये बिल्कुल जायज है, और अगर ये मूवमेंट करना चाहता था रूस वो फायरिंग के दौरान भी कर सकता है, लड़ाई के दौरान भी कर सकता है, तो कोई इसमें मैं ये नहीं देखता हूँ कि कोई ये साजिश है। नहीं तो सीज फायर मैं समझता हूँ एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे, इतना ही सीज फायर है, बस इतना ही सीज फायर है ये। लेकिन एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर ये सीज फायर लंबा हो जाए एक हफ्ते के लिए या दो हफ्ते के लिए, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल प्रेशर यूक्रेन पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि फिर वो नहीं चाहेंगे कि ये सीज फायर रुके, तो एक तरफ से एक दबाव पड़ सकता है। ठीक है, ब्रिगेडियर दत्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर उनकी भी सुन लेते हैं। दत्ता सर बताइए। हाँ गौरव, ये टेम्परेरी ट्रूस है, और देखिए रशिया, क्योंकि रशिया की जो सॉफ्ट बेली है वो भी काफी वल्नरेबल है, तो रशिया ने इस चीज का फायदा उठाया है कि साहब ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस है उसको मनाया जा रहा है, तो वो अपना जो ट्रुप मूवमेंट है उसको कर सकता है, क्योंकि डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन काफी भारी पड़ रहा है रशिया के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने उसको डिफेंसिव वेपन्स ज्यादा दिए हैं, ऑफेंसिव कंटेंट यूक्रेन के अंदर नहीं है, तो वो ये चाहेगा रशिया के अपना जो रीडिप्लॉयमेंट है या जो स्विचिंग ऑफ फोर्सेस है वो इस दौरान कर ले, क्योंकि ये टेम्पररी ट्रूस है, कोई परमानेंट वो नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये बात यूक्रेन और अमेरिका को भी पता होगी, और वो भी इस दौरान जरूर अपनी रीअलाइनमेंट कर रहे होंगे, अपने आप को रीब्रीद कर रहे होंगे, अपने आप को जरूर रीग्रुप कर रहे होंगे। बहुत बड़ी बात आप दोनों ने समझाई और ये क्लियर किया कि सीज फायर का मतलब क्या है और रशिया के इस मूवमेंट को कैसे देखें। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।